अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्वसाहूं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मा जैनं जयतु शासनं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरछिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणं मंगलमयमंगलकरं वीतरागविज्ञानं नमो ताहि जाते अरिहंतादिमहं ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। ग्रंथादिराज समयसार जी परमागम जिनके रचयिता कड़िकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान कुंद कुंद देव हैं, जिनकी जयसेन आचार्य भगवान की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका है और उनकी 320वीं गाथा का चौथा प्रवचन है पूज्य कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का। इस युग में पूज्य गुरुदेव श्री को पाने से जगत के सभी भव्य जीवों ने मानो महाविदेह में तीर्थंकर का योग पाया। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे पुरुष थे जिन्होंने इस सुवर्णपुरी को महाविदेह बना दिया है, जहाँ पे निरंतर तीन तीन बार अध्यात्म की गंगा बहती हो, शुद्धात्म तत्व की बात इस तरह से चलती हो मानो हम सब कोई समूह शरण में बैठे हो और तीर्थंकर भगवान की ओम ध्वनि छूटती हो और उस ओम ध्वनि के अंदर में एक शुद्धात्मा की बात, एक भगवान आत्मा की बात, व्यवहार साराय बद्धोय असत्यार छे अभूतार छे ये बात जिस ओम ध्वनि के माध्यम से निकलती हो, ऐसे ये पुरुष हम सभी को मिले। सही में सच माने में कहा जाए तो पूज्य गुरुदेव श्री को पाना इस युग के अंदर में प्रत्यक्ष तीर्थंकर को पाने बराबर है। इतना पर्वत जितना पुण्य न हो तो इस युग में गुरुदेव मिले ही नहीं, और गुरुदेव मिले हैं तो पर्वत से अधिक पुण्य है तब इस युग में गुरुदेव मिले। सिर्फ गुरुदेव के दर्शन हो इतना पुण्य हो तो, और उससे भी अधिक पुण्य हो तो गुरुदेव की वाणी सुनने को मिले, और उससे भी अधिक पुण्य हो तो वाणी समझने को मिले, और उस पुण्य का अभाव करके मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा दृष्टि जहाँ स्वभाव के ऊपर जाए तो क्षण मात्र में सम्यक दर्शन प्रकट होकर गुरुदेव श्री के पीछे पीछे गुरुदेव श्री के पुठे पुठे सब कोई मोक्ष दशा में विराजमान हो जाए, ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की अमृतमय महामंगलमय
भवताप विनाशनी वाणी हमको और आपको सबको इस भरत क्षेत्र में मिली। सही में गुरुदेव महाविदेह से पधारे तो थे, लेकिन सिर्फ पधारे ही नहीं थे, साथ में महाविदेह को भरत क्षेत्र लेकर आए थे। और इस महाविदेह को भरत क्षेत्र में लेकर आकर जिस बात को चरम सीमा पे अब ग्यारहवीं गाथा की शुरुआत करें तो के जैन शासन नो सार छे। फिर जैन शासन का सार क्या, क्या क्या वस्तु का सार है, जैन शासन का सार नहीं, जैन शासन का प्राण नहीं, वस्तु का सार है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ग्यारहवीं गाथा के अंदर में अपना हृदय खोल दे, उस हृदय को खोलते हुए चारों व्यवहार सद्भुत असद्भुत उपचरित अनुपचरित, ये चारों व्यवहार असत्यार्थ है अभूतार्थ है, ये बात डंके की चोट पे बतावे। और यहाँ तक कहे कि पर्याय कोई भी हो, चाहे सम्यक दर्शन की चाहे केवल ज्ञान की, पर्याय मात्र असत्यार्थ और अभूतार्थ और शुद्धात्म मात्र सत्यार्थ और भूतार्थ, ऐसी जय घोष करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री मिले। सही में आज गुरुदेव श्री को पाने से हम सब कोई धन्य धन्य हो गया, हमारा सबका जीवन सफल हो गया कि गुरुदेव श्री को पाने से ये बात जो कही जाती थी कि पंचम काल में तीर्थंकर परमात्मा का विरह है, ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने भुला दी, तीर्थंकर भगवान का विरह को भुला दिया। सही में इतनी अद्भुत बात, इतनी अलौकिक बात, डंके के चोट पे निडरपने निसंकपने जैसी वस्तु की व्यवस्था है, वस्तु का स्वरूप है, वो जगत को हथेली में बतला दिया। चौथों काल वर्ते है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुवर्णपुरी में चतुर्थ काल वर्ता है। तो इस गुरुदेव श्री को पाकर हम सभी का जीवन का तात्पर्य ये होना चाहिए कि गुरुदेव श्री जो बात बतावे उनको सर्वप्रथम तो प्रमाण वचन कहें, ये प्रमाण वचन गुरुदेव हैं। और फिर वो बात जहाँ से कही गई हो, जिस तरह से कही गई हो, वहाँ से उस बात को सोचे कि गुरुदेव श्री व्यवहार नहीं को असत्यार्थ अभूतार्थ अपरमार्थ कहते हैं, क्यों कहते हैं। जैसे 320वीं गाथा के अंदर में भी कहा कि पर्याय का लक्ष्य, निमित्त का लक्ष्य, राग का लक्ष्य वो महासंसारी पापी जीव है, ऐसा क्यों कहा गुरुदेव ने, इससे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा क्यों कहा। और शुद्धात्मा का लक्ष्य करके एक त्रिकाली परमात्मा चिदानंद ध्रुव बिंब का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन होता है। तो ये जो बात जो है ये ओम ध्वनि की बात है, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की बात है, ये सिर्फ गुरुदेव की बात नहीं है, ये अनंत तीर्थंकर परमात्मा ओम ध्वनि में ऐसा बतलाते हैं वैसा गुरुदेव श्री ने फरमाया। तो ये बात अपन सोचें कि आज गुरुदेव श्री को पाकर शुद्धात्म तत्व की बात अपने को प्रिय लगती है, और प्रिय लगती है तो उसी का लक्ष्य क्यों नहीं होता। बार बार घूम फिर के हम पर्याय के ऊपर में क्यों आ जाते हैं, पर्याय में अनुभूति क्यों नहीं हुई, पर्याय में सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न क्यों उपस्थित होता है, क्योंकि आज हम गुरुदेव श्री के हृदय को समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव जहाँ से शुद्धात्मा की बात कहते हैं, भगवान आत्मा की बात कहते हैं, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की बात कहते हैं, और जब हथेली के अंदर में उस भगवान आत्मा को बताते हैं, तो उनका लक्ष्य, उनकी धुन, उनकी रुचि, उनका रस, उनका प्रेम तीव्रतर तीव्र 2400 घंटा बस उसी की बात चलनी चाहिए, क्यों नहीं चलती। ये बात अपने अंतरंग में जाके अपने से प्रश्न पूछें कि ऐसा सरल उपाय पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया, फिर भी क्यों हम कहाँ रुक रहे हैं, क्यों अटक रहे हैं, हम क्या चिंतन मनन विचार जो हो रहा है उसी के अंदर में संतुष्ट हो जा रहे हैं कि हम उससे भी आगे। वो आज सुबह जैसे अपने सुगानी जी का बोल लिया ना, तो कहता है कि चिंतन मनन में दुख ही दुख लगे। जब दुख ही दुख लगता है तो परिणाम विकल्प छूट जाता है, और यदि उसके अंदर में शांति हो कि हम चिंतन मनन घोलन कर रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यदि ऐसा भाव के ऊपर में रुकावट आनी चाहिए, इसके ऊपर में रोक लगनी चाहिए, क्योंकि मैं शुद्धात्म मात्र वस्तु हूँ उसके लक्ष्य के बिना। फिर वो भी कहते हैं कि चिंतन होता है, नहीं हो तो आत्मार्थी नहीं, चिंतन होता तो है लेकिन वहाँ पे वो रुकता नहीं है, अटकता नहीं है, वहाँ से आगे बढ़ता चला जाता है, उस विकल्प के अंदर में उसको दुख लगता है।
जिसको उस विकल्प के अंदर में दुख लगते हैं उसको गुरुदेव श्री फिर आगे समझाते हैं। जयसेन आचार्य 320 की गाथा, उसकी संस्कृत टीका का हिंदी है, पहला दो पैराग्राफ आ गया। चतुर्थ प्रवचन है पूज्य गुरुदेव श्री का 13 अगस्त 1970 का। अब फिर विशेष कहा जाता है क्या, औपशमिक आदि पांच भावों में उदय औपशमिक स्वयंशमिक सायिक और परम पारिणामिक। औपशमिक आदि पांच भावों में पांच भाव है, आत्मा में पांच भाव है, एक त्रिकाली पारिणामिक भाव और एक पर्याय अवस्था का चार भाव। एक है त्रिकालिक पारिणामिक भाव और चार है पर्याय अवस्था का भाव, मैंने उपशम उदय उपशम स्वयंशम और सायिक, ये चार भाव पर्याय भाव है और परम पारिणामिक भाव है जो ध्रुव भाव है। कुल पांच भाव है, एक ध्रुव भाव और चार पर्याय के भाव, एक द्रव्य का भाव, त्रिकाली भाव, परम पारिणामिक भाव जो है सो मेरा भाव, और जो चार भाव जो है उदयिक औपशमिक स्वयंशमिक और सायिक, ये चार भाव है वो पर्याय का भाव है। आगे स्पष्टीकरण करते हैं गुरुदेव श्री, पर्याय अवस्था का चार भाव। भावनो अर्थ शू, भावनो अर्थ वस्तु है, भवन अस्थिरूप होना है, त्रिकाली वस्तु पारिणामिक भावे है और एक समय की पर्याय चार भावे हैं। त्रिकाली वस्तु सदाए एक भावे रहती है, त्रिकाल एक भाव पारिणामिक भाव रूप त्रिकाल वस्तु रहती है और चार भाव जो है वो पर्याय भाव से रहती है, पलटते भाव से रहती है, बदलते भाव से रहती है, उत्पादीय रूप से रहती है। चार भाव पर्याय रूप भाव और एक भाव ध्रुव भाव पारिणामिक भाव रूप से रहती है। भाव नाम भवन, होना एक पर्याय रूप होना ने एक त्रिकाल रूप होना, चार भाव है उसका पर्याय रूप होना और एक पारिणामिक भाव है उसका त्रिकाल रूप होना। सूक्ष्म है आवाज, समझ में आया, पुस्तक है कि नहीं सामने, कपूरचंद जी पुस्तक रखा है, आया है ना पाना। औपशमिक पांच भाव, पांच भाव, पांच भाव सुना है कि नहीं कभी, हवे सुनते हैं ठीक, अभी तक तो कुछ सुना नहीं, कहाँ से सुने, सुनाने वाला नहीं मिला था, बात तो सही थे, गुरुदेव नहीं मिले थे तो सुने कहाँ से, सुनाने वाला मिला तब तो सुने, आज तक सुनने वाला ही नहीं मिला था तो कहाँ से सुने। यह आत्मा है ना, आत्मा शरीर वाणी मन भिन्न कर्म भिन्न, उसकी साथ संबंध नहीं, ये आत्मा है ना, आत्मा शरीर वाणी मन भिन्न कर्म भिन्न, उसके साथ संबंध नहीं। आत्मा जो वस्तु है अंदर, उसमें पांच प्रकार का भाव, एक त्रिकाली भाव नाम भवन रहने वाली चीज, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक नाम सहज भाव, जिसमें कोई अपेक्षा होती नहीं, उसका नाम पारिणामिक भाव कहने में आता है। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री कि पांच भाव है, उसमें एक त्रिकाली भाव है जो सदा रहने वाली चीज है, ध्रुव भाव है पारिणामिक भाव रूप है, और जो सहज भाव है स्वाभाविक भाव है अपना भाव है, वो अपना भाव को अपने भाव रूप रहने में किसी की अपेक्षा नहीं है। जो भाव स्वभाव जो होता है ना, स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है, उसको किसी की सापेक्षता नहीं होती, उसको किसी का आलंबन नहीं होता, किसी का अवलंबन नहीं होता। तो जो पारिणामिक भाव जो है, पंचम भाव जो है, वो अपना भाव है, ध्रुव भाव है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला भाव है, वो निरपेक्ष चीज है, निरपेक्ष वस्तु है। इस निरपेक्ष वस्तु है वो मैं हूँ, और बाकी जो चार भाव जो है वो कैसे हैं, पर्याय भाव है। पर्याय भाव है माने क्या, तो कि वो आत्मा शरीर वाणी मन भिन्न कर्म भिन्न, उसके साथ संबंध नहीं। शरीर वाणी मन के साथ तो कोई संबंध नहीं, अंदर में कर्म है उससे भी कोई संबंध नहीं, उसके अंदर में रागादि भाव है उससे भी कोई संबंध नहीं, और उसके अंदर में एक समय की जो पर्याय है उसके साथ भी कोई संबंध नहीं। यहाँ तक इस बात को लेना, जब तक पर्याय के साथ में संबंध है वैसा माना जाएगा, तब तक मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, वहाँ पे अहम नहीं होगा। तो परिणाम चार भाव जो है उसको क्या कहा, आगे कहेंगे ना, सावरण भाव, भगवान आत्मा परम पारिणामिक भाव है वो निरावरण भाव है, और चार भाव है वो सावरण भाव है, उदय उपशमिक स्वयंशमिक अनेक सायिक, चार भाव जो है वो सावरण भाव है, माने कर्मकृत भाव है, माने कर्म की सापेक्षता रखने वाले भाव है। जबकि ध्रुव भाव जो है
परम पारिणामिक भाव जो है वो निरपेक्ष भाव है, वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो निरपेक्ष सदा। ऐसे तो देखा जाए तो पर्याय के जो भाव है वो भी निरपेक्ष है, उनको पर्याय को उनके स्वभाव से देखा जाए तो निरपेक्ष है, लेकिन जब उसका चार की बात जब चलती है, उदय, उपशम, स्वयंपशम और सायिक चार भाव, तो चार भाव की बात में यह कहते हैं कि जो चार भाव जो है वो पर्याय के भाव हैं, और मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, मेरा भाव निश्चल भाव, अचल भाव, नहीं परिणमने वाला भाव, एक रूप रहने वाला भाव, वो मेरा भाव है, यानी कि ध्रुव भाव है, वो मैं हूँ, वो जिसमें कोई अपेक्षा होती नहीं, उसका नाम परिणामिक भाव, और उसकी पर्याय अवस्था हालत उसमें चार भाव, वो चार भाव द्रव्य में है नहीं, ऐसा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बताया पांच भाव, पांच भाव के अंदर में एक भाव जो है वो द्रव्य भाव है, और चार भाव जो है पर्याय भाव है। जो द्रव्य भाव है वो परम पारिणामिक भाव है, ध्रुव भाव है, कायम रहने वाला भाव है, मेरा भाव है, जिसको किसी की अपेक्षा होती नहीं, ऐसा भाव है, ऐसा निरपेक्ष भाव है, ऐसा स्वाधीन भाव है, ऐसा संपूर्ण भाव है, और उसी का नाम पारिणामिक भाव, और उसकी जो पर्याय अवस्था हालत उसमें चार भाव जो है, ये चार भाव द्रव्य में है नहीं, ऐसा यहाँ पर सिद्ध करना है। ये चार भाव द्रव्य में नहीं, चार भाव पर्याय भाव है, लेकिन ये चार भाव द्रव्य भाव नहीं है, मेरे में नहीं है। क्यों नहीं है मेरे में? क्योंकि ये पलटते वाले भाव है, बदलने वाले भाव है, उत्पाद वाले भाव है, प्लस ये जो भाव की उत्पत्ति जो होती है, उदयिक भाव एक तरफ, उपशम स्वयंपशम सायिक एक तरफ, एक कर्म का उदय की सापेक्षता रखती है, एक कर्म का अनुदय की सापेक्षता रखती है, एक कर्मों का खिरने की सापेक्षता रखती है, एक कर्मों का अभाव की सापेक्षता रखती है, तो इसलिए इस भाव को कर्मकृत भाव कहा गया है। ये आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले भाव नहीं है। कहा तो ऐसे जाता है कि आत्मा का लक्ष्य करते हुए उपशम होता है, फिर आत्मा का लक्ष्य करे तो स्वयंपशम होता है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो इस गाथा के माध्यम से जो भगवान आत्मा मोक्ष का कारण से शून्य है, तो उसके कारण शुद्ध भाव का जन्म नहीं होता। शुद्ध भाव का जो जन्म होता है उपसमयिक स्वयंसमयिक या सायिक भाव रूप, उसका कारण पर्याय की तत्समय की योग्यता ही उनका कारण है, और उनका कोई कारण है नहीं। और निमित्त कारण कहा जाए तो कर्मों का सद्भाव, कर्मों का अनुदय और कर्मों का अभाव की अपेक्षा रखता हुआ है चार भाव, एक कर्मकृत भाव है, कर्मकृत भाव है यानी कि सावरण भाव है, और परम पारिणामिक भाव जो है वो निरावरण भाव है, वो मैं हूँ, मेरा भाव है, मेरा स्वभाव है। क्योंकि जो मेरा स्वभाव है, निरावरण जो भाव है वो कैसा है? वो एक भाव है। परम पारिणामिक भाव है वो कैसा भाव है? एक भाव। वो पर्याय के चार भाव और द्रव्य का एक भाव, जो एक भाव है वो कैसा भाव है? अखंड भाव है ना, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में, वो अखंड भाव है, एक रूप भाव है, जिसमें खंड नहीं पड़ता। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, ऐसा खंड उस भाव के अंदर में नहीं पड़ता, वो एक रूप अखंड भाव है, एक रूप भाव है, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष भाव है, सदा ही प्रत्यक्ष, वो कभी परोक्ष नहीं होता। पारिणामिक भाव प्रत्यक्ष भाव है, अपन तो कहते हैं कि वो परोक्ष है, परोक्ष नहीं होता कभी अपना भाव, अपना भाव सदा ही प्रत्यक्ष होता है, प्रकट होता, विद्यमान होता, हजरा हजूर होता है। मैं हूँ ऐसा विश्वास नहीं किया, उसलिए उसका लक्ष्य नहीं हुआ तो अप्रकट कहने में आता है, वास्तविकतया वो अप्रकट कभी होता नहीं। शांति से देखा जाए तो आज गुरुदेव श्री के प्रवचन के अंदर में जितनी बात आई, उतनी बात का चिंतन मनन करे तो जैन दर्शन का सार जो है वो हथेली में आए बिना रह नहीं सकता। लेकिन जीव शांत होकर द्रव्य भाव और पर्याय भाव दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव है, दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव है यानी कि निरपेक्ष स्वभाव है, यानी कि एक स्वभाव को दूसरे स्वभाव की अपेक्षा नहीं है। पर्याय स्वभाव है, वो भी पलटता हुआ उत्पाद व्यय रूप उसका स्वभाव है, तो स्वभाव है तो एक समय का सतरूप स्वभाव है। जो एक समय का सतरूप स्वभाव है उसको अपने परिणमन में किसी की अपेक्षा नहीं होती, वो स्वाधीन सत्य है,
और सत अहेतुक होता है। जब सत अहेतुक होता है तो उसको अपने परिणमन में किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ये चार भाव जो है पर्याय रूप भाव, वो भी स्वाधीन सत भाव है। पर्याय भाव जैसे स्वाधीन सत भाव है, उसी के उत्पन्न होने वाले जो चार भाव है, देखिए क्या कहते गुरुदेव से। यह कहते हैं देखो, औसमिक आदि पांच भावों में भाव नाम हयाति वाला पदार्थ, पर हयाति में दो प्रकार हयाति, खरे कल त्रिकाण भाव और खरी हयाति है। वो आया था कल आत्मद्रव्य लाभ हेतु, काले नोता तमें, समझ में आया? क्या कहते हैं, औपसमिक आदि पांच भावों में भाव नाम हयाति वाला पदार्थ, काले आत्मलाभ, आत्मलाभ माने हयाति वाला पदार्थ। अब जो हयाति वाला जो पदार्थ की जो बात की, उसमें हयाति दो प्रकार की, एक त्रिकाली भाव की जो हयाति वो खरी हयाति है, वो वास्तविक हयाति है, और बाकी जो चार भावों की जो हयाति है उसको यहाँ हयाति नहीं कहा है। आत्मलाभ एक भाव को आत्मलाभ रूप भाव कहा, हयाति वाला भाव कहा, त्रिकाल रूप रहने वाला भाव कहा, और चार भाव रूप जो है उसको यहाँ यानी कि पर्याय की हयाति जो है उसको आत्मा की हयाति नहीं कहा। यानी कि पर्याय की जो हयाति वो आत्मा की हयाति नहीं कहा, उसका मतलब वो पर्याय की हयाति उसको अनात्मा है। मैं आत्मा हूँ तो पर्याय सो अनात्मा है, मैं जीव हूँ तो पर्याय सो अजीव है। अजीव माने मेरा त्रिकाली जीव नहीं है, अजीव माने जड़ नहीं, अजीव माने पुद्गल नहीं, लेकिन मैं त्रिकाली जीव हूँ तो ऐसा नहीं है, उसलिए अजीव। मेरी अपेक्षा से देखा जाए, मेरे स्वभाव से देखा जाए, मेरे त्रिकाली परम पारणामिक भाव से देखा जाए तो जो पर्याय जो है वो अजीव है। अजीव माने मैं नहीं हूँ, मेरे से भिन्न है। भिन्न है यहाँ कहाँ तक भिन्न है तो क्या परद्रव्य रूप, कहाँ तक भिन्न है तो क्या आद्रव्य रूप। कल कहा गुरुदेव श्री ने कि पर्याय परद्रव्य है अद्रव्य है, तो ऐसा उसने कभी माना ही नहीं। पर्याय को परद्रव्य और अद्रव्य नहीं माना, और पर्याय को परद्रव्य और अद्रव्य नहीं मानने से पर्याय में उंडे 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 उसकी प्रीति रहती है, और प्रीति रहती है तो उसको उसमें सम्यक कब प्रकट हो उसकी अभिलाषा रहती है। यानी जिसको सम्यक की अभिलाषा रहती है, जिसको मोक्ष की अभिलाषा रहती है, उसको परिणाम के अंदर में शुद्धात्मा के प्रति जो सर्वस्व समर्पण का भाव होना चाहिए वो नहीं होता। जब सर्वस्व समर्पण का भाव नहीं होता तो मैं परमात्मा हूँ, ऐसे सर्व समर्पणता उसके अंदर में नहीं होती। और वो नहीं होने के वजह से करोड़ प्रयत्न करने के बावजूद भी, अनंत प्रयत्न करने के बावजूद भी पर्याय दृष्टि बनी रहती है। पर्याय दृष्टि कब छूटे कि जब द्रव्य बुद्धि होवे, एक द्रव्य सो मैं और बाकी जो कुछ भी वो मैं नहीं, माने मैं नहीं माने तिरस्कार नहीं, लेकिन मेरे अस्तित्व में उसका अस्तित्व नहीं है। पर्याय का अस्तित्व पर्याय के अंदर में है, लेकिन मेरे त्रिकाली के अंदर में उसका अस्तित्व नहीं है। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर त्रिकाली में अहम करे, एकत्व करे, लक्ष्य करे, मैंपना करे, तो उस परिणाम के अंदर में सम्यक्त्व का जन्म आपोआप होता है। और सम्यक्त्व आज तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा जो प्रश्न उद्भवता है, ऐसा विकल्प जो वारंवार आता है, वो कारण है अनुभूति नहीं होने का। गुरुदेव श्री ने छठवीं गाथा में एक बार ऐसा कहा कि आत्मा शुद्ध है। तो आत्मा क्यों शुद्ध है, तो क्यों शुद्ध रूप नहीं परिणमा उसलिए शुद्ध है। अरे प्रभु आप क्या कहते हो, आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध कैसे है, तो क्यों शुद्ध रूप नहीं परिणमा उसलिए शुद्ध है। यदि शुद्ध रूप परिणमता यानी कि पर्याय रूप परिणमता यानी कि उत्पाद रूप हो जाता तो शुद्ध रहता ही नहीं। आत्मा यानी कि त्रिकाली आत्मा जो है वो शुद्ध है। शुद्ध है तो शुद्ध क्यों है, तो क्यों शुद्ध रूप नहीं परिणमा उसलिए शुद्ध है। शुद्ध रूप कौन परिणमता, तो पर्याय परिणमती है। यदि त्रिकाली आत्मा पर्याय रूप परिणम जाए तो आत्मा ही नहीं रहेगा, आत्मा का अभाव हो जाएगा। तो उसलिए आत्मा शुद्ध है, क्यों शुद्ध है, क्यों शुद्ध रूप नहीं परिणमा उसलिए शुद्ध है। देखिए इस पुरुष की क्या कला है, क्या अजब गजब की देन है कि उसके बारे में जितनी भी चर्चा करे, जिस तरह से भी करे, कम है। आत्मा शुद्ध है, क्यों शुद्ध है, वो शुद्धता की अपेक्षा नहीं रखता, शुद्ध है, शुद्ध रूप नहीं परिणमता, वो शुद्ध है।
पर्याय अशुद्रुप परिणाम हो या शुद्रुप परिणाम हो, उसकी अपेक्षा नहीं रखता भगवान आत्मा। शुद्रुप परिणाम है तो अच्छा, ऐसी अपेक्षा भगवान आत्मा नहीं रखता। शुद्रुप नहीं परिणमता उसलिए शुद्ध है। अरे प्रभु आप क्या कहते हो, गजब बात है ना गुरुदेव श्री की। शांति से गुरुदेव श्री की बात का चिंतन करें, मनन करें। गुरुदेव श्री कहाँ ले जाना चाहते हैं, एक ज्ञायक लोक में, पर्याय समुद्र के पीछे, एक कौन सी जहाँ है जहाँ है गुरुदेव तू ले चल रहा हम लोग को। एक बार तो विचार कर भैया कि क्यों तुझे पर्याय की इतनी प्रीति है, ये पर्याय की प्रीति से सम्यक दर्शन नहीं होगा। अनंत प्रयत्न करने के बावजूद भी नहीं होगा, अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि होकर आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? वो पर्याय का प्रेम के वजह से, पर्याय का पक्ष की वजह से, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना से, मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा से तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ ऐसा तुझे महसूस नहीं हुआ, मैं सुख की खान हूँ ऐसा तुझे महसूस नहीं हुआ, ऐसा तुझे विश्वास नहीं आया। गुरुदेव ने कहा, आचार्य भगवंतों ने कहा, तीर्थंकर परमात्माओं ने कहा, लेकिन तू अपने अभिप्राय से हिला नहीं बिल्कुल, तूने अभिप्राय कायम रखा और कायम रखकर गुरुदेव की बात सुनी, तो हित नहीं होगा भैया। हित करना है तो ये पर्याय भाव है उसको प्रभाव समझ, ये चार भाव है कर्मकृत भाव है ऐसा समझ, ये सावरण वाले भाव है ऐसा समझ, मैं उनसे अत्यंत भिन्न निरावरण भाव हूँ ऐसा मान। पर्याय को जानना है कि पर्याय मेरी चीज़ नहीं है और मैं शुद्धात्मा हूँ वैसा मानना है। एक जानने की बात है, एक मानने की बात है, और फिर मानने की बात के पश्चात जानने की बात में भी एक ही बात आवे कि मानना भी एक का और जानना भी एक का। जब 17-18 गाथा लेवे तब वो ऐसा माने कि जाने लानू श्रद्धांत थाय छे, जिसको जानता है उसको अपना मानता है। ये 17-18 गाथा मत ही निकले, 17-18 गाथा में से ये बात को निकाले कि जाने लानू श्रद्धांत, जिसको जानता है उसको अपना मानता है। और जहाँ 320 गाथा पे आवे तो ध्येय पूर्वक है, वहाँ ज्ञान पहले श्रद्धांत पीछे, या श्रद्धांत पहले ज्ञान पीछे। क्या कमाल है आचार्य भगवंतों की, गुरुदेव ने कौन सी दृष्टि हमें दी है इसका विचार भी शांतपूर्वक करे तो हृदय पुलकित हुए बिना रह नहीं सकता। ध्येय पूर्वक ये मैं परमात्मा हूँ वो ध्येय है, बस वो ध्येय में जहाँ जमा, जहाँ स्थिर हुआ तो पूरा आत्मा ज्ञेय हो जाता है। करना नहीं पड़ता, हो जाता है, हो जाने वाली व्यवस्था है, उत्पन्न करने वाली व्यवस्था नहीं है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रकट होने वाली व्यवस्था है, अपने आप उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है। उसके लिए तू प्रयत्न मत कर, उसका प्रयत्न करने का मतलब ये होता है कि अनंती कर्ता बुद्धि के परिणाम को तू लेकर चलता है। इस कर्ता बुद्धि का नाम संसारी महापापी मिथ्या दृष्टि है। शांति से सुने भैया ये गुरुदेव की बात, ये परम पिता की बात। जब सोगानी जी साहब कहते हैं गुरुदेव श्री हमारे लिए अनंत तीर्थंकर से अधिक है, तो इसमें माल भरा है भैया। ये जो तुझे अपना शुद्धात्मा दिखा दे, शुद्धात्मा दिखा कर अपने स्वभाव तरफ ले चले, और उसके अंदर में तुझे कोई परिश्रम नहीं पड़े, कोई मेहनत ना पड़े, और सहज मात्रा में उसकी उपलब्धि हो जाए, ऐसी विधि, ऐसी कला, ऐसी चाबी तुम्हारे हाथ में दे दे, और फिर भी वो चाबी का तू इस्तेमाल ना करे, धूड़ पड़ी जीवन नहीं अंदर मान। देखिए क्या कहते हैं, ये 56 का था 85 आत्मद्रव्य लाभ, आत्मस्वरूप का लाभ हयाति, एक एक चैतन्य अपना त्रिकाली स्वरूप की हयाति, हयाति तो आते हैं ना शब्द तुम्हारे हिंदी में मौजूदगी, ऐसा त्रिकाल स्वरूप जो मौजूदगी उसको यहाँ पारिणामिक भाव कहने में आता है। आत्मस्वरूप का लाभ, आत्मद्रव्य लाभ माने आत्मस्वरूप का हयाति लाभ, आत्मस्वरूप का लाभ हयाति, एक एक चैतन्य अपना त्रिकाली स्वरूप की हयाति, एक की हयाति, एक का लक्ष्य, बस एक के अलावा और कोई बात नहीं पूछा है। त्रिकाल स्वरूप
हयाती तो आते हैं ना शब्द मौजूदगी, ऐसा त्रिकाल स्वरूप जो मौजूदगी उसको यहाँ पारिणामिक भाव कहने में आता है। ऐसा जो त्रिकाल स्वरूप जो मौजूदगी रूप जो भाव है उसको यहाँ पारिणामिक भाव कहने में आता है। पारिणामिक भाव माने सहज भाव, अपना भाव, त्रिकाल भाव, ध्रुव भाव, नित्य भाव, ऐसा जो पारिणामिक भाव जो है वो मैं हूँ। पारिणामिक नाम सहज भाव, उसमें कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं, पर की अपेक्षा नहीं, ऐसा आत्मा में एक पारिणामिक भाव त्रिकाल, वो ही आत्मा, खरेखर वो ही आत्मा। लियो खरेखर समझ में आया। कारण परमात्मा लेने से उस कार्य परमात्मा की सापेक्षता आती है। तो यहाँ पे तो निरपेक्ष जो एक ज्ञायक तत्व जो है, ध्रुव तत्व जो है, बस वो आत्मलाभ है, वो आत्मा की हयाती है, उतना ही बतलाना। अभी आगे उसका स्पष्टीकरण भी करेंगे, कारण परमात्मा कार्य परमात्मा की बात भी आगे के प्रवचनों में आएगी। यहाँ क्या कहते हैं कि पारिणामिक नाम सहज भाव, सहज नाम स्वाभाविक भाव, उसमें कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं। अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा तो नहीं, लेकिन शुद्ध पर्याय की अपेक्षा है कि नहीं? कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं, स्वभाव निरपेक्ष है, तो किसकी अपेक्षा हो? अशुद्ध पर्याय या शुद्ध पर्याय, किसी कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं, पर की अपेक्षा नहीं, निमित्त रूपे तो कोई हो ना, किसी की अपेक्षा की बात ही नहीं है। ऐसा आत्मा में एक पारिणामिक भाव त्रिकाल, वो ही आत्मा, बस वो ही आत्मा, उतना ही आत्मा, उसके बाहर आत्मा है नहीं। खरेखर वो ही आत्मा। लियो खरेखर समझ में आया। वो नियम सार में आता है, 15वीं गाथा में आता है, 15वीं गाथा में भाई खरेखर वो आत्मा वस्तु अपनी त्रिकाल स्वभाव भाव रूप जीव, जो दृष्टि का विषय, जो सम्यक दर्शन का ध्येय, जो सम्यक दर्शन का विषय, कि जिसका विषय करने से सम्यक दर्शन होता है, खरेखर माने यथार्थ, खरेखर नहीं वास्तव में, खरेखर यथार्थ में है कि नहीं? आ तो हिंदी एटली जरा ख्याल बार रही जाए। देखिए कौन सा कौन है सम्यक दर्शन का विषय, तो कि जो वस्तु जो है अपना त्रिकाली स्वभाव भाव रूप वस्तु जो है, जीव जो है, जो दृष्टि का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय है, सम्यक दर्शन का ध्येय है, जिसका विषय करने से सम्यक दर्शन होता है। और कौन सी गारंटी चाहिए बताइए आप मेरे को, जिसको ध्येय बनाने से, वस्तु का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन होता है? ये गारंटेड बात है कि जहाँ वस्तु को लक्ष्य किया, परम पारिणामिक भाव को, ध्रुव भाव को लक्ष्य बनाया, दृष्टि का विषय माना, ध्येय माना, तो वहाँ सम्यक दर्शन होता है, जिसका विषय करने से सम्यक दर्शन होता है। अब इस बात को क्यों नहीं सुनता, प्रश्न यहाँ पर है, इस बात को क्यों नहीं मानता? और किसी जगह पे लिखा है कि आप पर्याय को द्रव्य के साथ में झुकाओ, उपयोग को स्वभाव तरफ ले जाओ तो सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उपयोग को झुकाने की व्यवस्था ही नहीं है। अब जिसको झुकाने की व्यवस्था नहीं, उसको आप झुकाओ तो कर्ता बुद्धि ले चलो और आत्मा की अनुभूति हो जाए, ऐसा कहे तो कहाँ से कहे? जैसी वस्तु की व्यवस्था ही नहीं है, ऐसी बात कहाँ से करे, क्यों करे? लेकिन जहाँ वस्तु के ऊपर, निज वस्तु के ऊपर में लक्ष्य गया तो सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय वो है, सम्यक दर्शन का ध्येय वो है ना, सम्यक दर्शन के, जिसका विषय करने से सम्यक दर्शन होता है। अब ये बात का वो क्यों विश्वास नहीं करता? यदि ये बात कही जाए कि आपको गुरुदेव के ऊपर में विश्वास नहीं है तो कैसा घाव पड़ेगा, कैसी चोट लगेगी? आप गुरुदेव को नहीं मानते हो, सही माने में देखा जाए तो परिस्थिति लेकिन ऐसी ही है, ऐसी ही है परिस्थिति कि आप नहीं मानते गुरुदेव को। बुरा मत लगाना भैया, जब गुरुदेव श्री स्पष्ट सम्यक दर्शन का विधान बतलाते हैं कि इस विधि से सम्यक दर्शन होता है, मैंने गारंटी पूर्वक की बात है कि जहाँ वस्तु को विषय बनाया, वस्तु को लक्ष्य किया,
वस्तु को ध्येय बनाया कि मैं परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूँ, तो वहाँ पे सम्यक दर्शन होता है। तो इसके अलावा और कौन सी गारंटी चाहिए? तीनों तीनों काल के तीर्थंकर परमात्मा की गारंटी गुरुदेव श्री देते हैं। क्या चाहिए अपने को? हृदय कांपता क्यों नहीं है? क्यों अपने अपन अपनी जीत पे अड़े हुए हैं? बात सम्यक दर्शन की करती और इस विधि को अपनाना नहीं तो कैसे होगा? और फिर वो शुद्धात्मा क्यों जवाब दे? क्यों जवाब दे? वो सरल है, दर्शन देता हुआ बैठा है, लेकिन निकम्मा तो नहीं है कि आप उसको पूछो ही नहीं और वो आपको जवाब दे दे। मैं हूं ऐसा अभिप्राय आपका ना बने और वो आपको जवाब दे दे, ऐसा क्यों हो? अब सही में मानो कि मैं परमात्मा हूं और वो परमात्मा आपको जवाब न दे तो बताना है। गारंटी है 100% की। हमारे तो गुजराती नो परिचय करो ना, हमारे बहुत 38 नियम सर है ना, 38 गाथा देखो क्या कहते हैं। सूक्ष्म बात है, जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने से क्या कहे, कितना कहे, किस तरह से कहे, किस विधि से कहे। जीव आदि सात तत्वों का समूह पर द्रव्य होने से जीव की एक समय की पर्याय को यहाँ जीव कहा है। जीवादि 7 तत्व ना, तो उसमें जीव तत्व भी आ गया, तो जीव तत्व में यहाँ पे क्या लेना, तो क्या एक समय की पर्याय को यहाँ पर जीव कहा है। ऐसे जीव अजीव आश्रव संवर निजरा बंधन मोक्ष, ये 7 तत्व क्या है? परद्रव्य है। अब तुझे जिस समर को प्रकट करना है, हम यह कहते हैं कि यह परद्रव्य है, और परद्रव्य को तुझे प्रकट करना है। जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने से यह परद्रव्य ही है, तो तुझे क्यों उसको प्रकट करना है? और तेरा भगवान आत्मा प्रकट है, उसको तू अप्रकट मानता है, और जो परद्रव्य के परिणाम है उसको अपना मानता है। माने गाड़ी कितने हद तक उल्टी चलती है आप देखो। जो जीवादि ध्रुव तत्व है, भगवान आत्मा है, परम पारिणामिक भाव है, वो मैं हूँ, वो प्रकट तत्व है, वो प्रत्यक्ष तत्व है, वो कभी अविद्यमान नहीं होता, सदा ही विद्यमान है, सदा ही हाजरा हजूर है, सदा ही दर्शन देता हुआ बैठा है दरवाजे पे। और परिणाम जो है जीवादि 7 तत्व जो है वो परद्रव्य है। माने ये जीव जो है वो स्वतत्व स्वद्रव्य, और जीवादि 7 तत्व वो परद्रव्य। अब जो पर्याय मात्र परद्रव्य है उसमें तुझे शुद्धता लानी है, शुद्धता लानी, अभी अशुद्धता है उसमें पर शुद्धता लानी है, और जो शुद्धता का पिंड है उसका तुझे अनादर करना है। परिस्थिति तो ऐसी है, वास्तविकतया सोचा जाए तो क्या है कि जो जीवादि 7 तत्वों का समूह जो है वो परद्रव्य होने से तो है परद्रव्य, तो मैंने एक समय की पर्याय परद्रव्य है, और अब एक समय की पर्याय के अंदर में अशुद्धता है, उसमें अशुद्धता को टालकर शुद्धता प्रकट करनी है। और दूसरी तरफ अपना ध्रुव तत्व है जो सदा ही शुद्ध है, सदा ही भगवान है, सदा बना बनाया भगवान है, सदा ही कृत्य कृत्य है, जो शुद्धता की त्रिकाल मूर्ति है, उसको तुझे अस्वीकार, और जिसके अंदर में अशुद्धता राग आश्रय बंध के परिणाम हो रहे हैं उसमें मलिनता को टालकर तुझे शुद्धता प्रकट करनी है। एक प्रकट विद्यमान शुद्धता का पिंड त्रिकाल, उसका अनादर, और जिसके अंदर में मलिनता है उसका नाश कर उसमें शुद्धता प्रकट करने का अभिप्राय। क्या कहे इस अभिप्राय को? विपरीतता की चरम सीमा है कि नहीं है? फिर क्यों जवाब दे शुद्धात्मा? आप कितना भी प्रयत्न कर लो, कितना भी स्वाध्याय कर लो, कितनी भी चर्चा कर लो, क्यों जवाब दे? क्योंकि आपका अभिप्राय यह है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें यहाँ से गुरुदेव के पास में जाना है, लेकिन सम्यक दर्शन लेकर जाना है, नहीं तो गुरुदेव को मुँह क्या दिखाएंगे? अब ये अभिप्राय तो बना हुआ है। फिर शुद्धता की जितनी भी बात की जाए,
जितनी भी चर्चा की जाए, जितना भी विवरण किया जाए, वो कोई इफेक्ट ही नहीं करती, बाउंस हो जाती है, सुनते हैं बाउंस हो जाती, सुनते हैं बाउंस हो जाती। इसलिए वो जवाब नहीं देता सुधात्मा, आपका रस नहीं है, रुचि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभिप्राय के अंदर में जो सम्यकता होनी चाहिए, अभिप्राय के अंदर में जो सुधात्मा का जोर होना चाहिए, मैं यही हूँ, ऐसा जो यथार्थ निर्णय जो होना चाहिए, वो यथार्थ निर्णय नहीं हुआ। वो यथार्थ निर्णय नहीं होने से पक्का निर्णय नहीं हुआ, और पक्का निर्णय नहीं होने के वजह से अब पर्याय में लाख प्रयत्न कर लो, करोड़ प्रयत्न कर लो, अनंत प्रयत्न कर लो, अनंत काल तक कर लो, फिर भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। जो अनादिकाल से आज तक अंतर नहीं पड़ा, उसका यदि कारण देखा जाए तो यह उसका कारण है। विपरीतता की कोई सीमा नहीं है देखा जाए तो। एक तरफ प्रकट मौजूद विद्यमान हाजरा हजूर भगवान आत्मा, अत्यंत प्रत्यक्ष, लक्ष्य करे तो तुरंत वेदन प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसी वस्तु। और दूसरी तरफ सात तत्वों का समूह जो परद्रव्य है, अब उसके अंदर में अभी आश्रव बंद के परिणाम है, समर निद्रा के परिणाम प्राप्त करना है, है ना। मनस्थिति ये है तो है अशुद्धता, उसको टालकर उसका नाश करके शुद्धता प्रकट करनी है। और एक तरफ है त्रिकाल शुद्ध परमात्मा, एक तरफ सिद्ध भगवान है और एक तरफ संसार है। अब संसार को अभाव करके सिद्ध पद तक जाना है, कैसे? तो कि जो हाजरा हजूर सिद्ध भगवान है उसका अनादर करके, उसकी अवहेलना करके, उसका अभिनय करके हो सकता है क्या? रीत खोटी छे, तूने जो पद्धति अपनाई वो पद्धति झूठ है। प्रत्यक्ष विराजमान सिद्ध परमात्मा सर्व जीव चे सिद्ध सम, उसका अर्थ क्या? सिद्ध होगा तब सिद्ध ना अभी सिद्ध, और जब अभी सिद्ध है तो सिद्ध क्यों नहीं मानता? सिद्ध बनने का प्रयत्न क्यों करता? अनंती करता बुद्धि लेकर संसार उसलिए जीवित रहा। फिर भी भैया चिंता की बात नहीं है, अनादिकाल के तेरे अत्यंत विपरीत प्रयास के बावजूद भी सिद्ध परमात्मा उतना ही दयालु करुणावंत होकर दर्शन देने के लिए बैठा हुआ है। तुझे इतना मानना है कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण सिद्ध हूँ, सिद्ध बनना मेरा काम नहीं है, वो परद्रव्य में होता हो तो होता हो। और उसके अंदर में बात तो यह है सुगानी जी की, निगोद हो या मोक्ष, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा परम पारिणामिक भाव मैं हूँ, ऐसा विश्वास जिस समय उत्पन्न हो जाए बस वही जीवन की धन्यता, वहीं पे गुरुदेव मिले उसकी सार्थकता है, कृतार्थता है। और तब हमने गुरुदेव श्री का उपकार माना, नहीं तो सिर्फ भाषा वर्गना है। देखिए क्या कहते हैं, त्रिकाली द्रव्य छोड़कर एक समय की पर्याय उसको जीव कहा है, और अजीव संवर निजरा मोक्ष आदि सात ही परद्रव्य है। समझ में आया? शांति से आतो माखण माखण है जैन दर्शन का। जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं, उपादेय नहीं है, उसको तो उपादेय मान रहा है। परद्रव्य कहा, परद्रव्य उपादेय कैसे हो सकता है? जीव के सामने पुद्गल उपादेय हो सकता है क्या? तो ये सात तत्व तो परद्रव्य है, कैसे उपादेय हो? हाँ, आश्रय करने लायक नहीं, ये आदरणीय है नहीं, है वास्तव में उपादेय नहीं है, आदरणीय है नहीं। जीव की एक समय की पर्याय
जिसको यहाँ चार भाव कहेगा वो पर्याय है, ये आदरणीय नहीं, उपादेय नहीं, अंगीकार करने लायक नहीं, जानने लायक है, बस इतना जानने लायक है, लेकिन आदरणीय, अंगीकार करने लायक, विश्वास करने लायक, श्रद्धान करने लायक नहीं है। आज तक ये बात तूने मानी नहीं। मैंने चार भाव के अंदर में उपशम, स्वयंपशम, सायिक, ये तीनों भाव के अंदर में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान, मोक्ष तक की बात आ गई। अब ये सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक जो भी परिणाम है वो आदरणीय नहीं है, उपादेय नहीं है, अंगीकार करने लायक नहीं है, ऐसा गुरुदेव श्री ने फरमाया है। जानने लायक है, बस इतना समझ में आया। जानने लायक है, जानने लायक तो है, उसमें क्या आपत्ति है? तीन काल तीन लोग को जाने, उसमें क्या आपत्ति है? अब जानता कैसे वो एक अलग बात, लेकिन जानने लायक है। जानने का इनकार नहीं है, जानने का निषेध नहीं है, जानना तो ज्ञान का स्वभाव है, तो जानने लायक है, लेकिन आदर करने लायक नहीं, सत्कार करने लायक नहीं, अंगीकार करने लायक नहीं, उपादेय नहीं, अवलंबन लेने लायक नहीं। पर्याय का परिणमन होता है, पर्याय का आलंबन नहीं होता। द्रव्य का आलंबन होता है, परिणमन नहीं होता। ऐसी सीधी सादी व्यवस्था, द्रव्य का आलंबन होता है लेकिन परिणमन नहीं होता, पर्याय का परिणमन होता है लेकिन आलंबन नहीं होता। वो सहज वैराग्य रूपी महलना शिखरनो शिखामणी, ये तो मुनि ने पोतानी वात लीधी छे। वो सहज वैराग्य रूपी महलना शिखरनो शिखामणी, ये तो मुनि ने पोतानी वात लीधी छे। औदयिक आदि चार भावांतरों ने अगोचर होने से कैसा है भगवान आत्मा ध्रुव, के जो आज चार भाव कहेगा पर्याय रूप, उदय, उपशम, स्वयंपशम, सायिक, वो पर्याय वो द्रव्य को छूती नहीं। उदय, उपशम, स्वयंपशम और सायिक, ये चार भाव की पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। उपशम यानी सम्यक ज्ञान की पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। छठवें सातवें अप्रमत्त प्रमत्त में झूलते मुनिराज, उनकी अवस्था ध्रुव को छूती नहीं। सपक श्रेणी, वो अवस्था भी ध्रुव को छूती नहीं, और सायिक केवल ज्ञान की अवस्था भी ध्रुव को छूती नहीं। चारे पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। भगवान आत्मा अस्पर्शी, अवेदक, अकारण परमात्मा है, चार भाव उसको स्पर्शता नहीं। अब तू जिसकी प्राप्ति की भावना भाता है वो द्रव्य को छूते ही नहीं। है वो चार भाव कहेगा पर्याय रूप, उदय, उपशम, स्वयंपशम, सायिक, वो पर्याय वो द्रव्य को छूती नहीं। द्रव्य को पर्याय का आलंबन नहीं और पर्याय को द्रव्य का आलंबन नहीं, दोनों स्वतंत्र। समझ में आया? द्रव्य भी स्वतंत्र और पर्याय भी स्वतंत्र। पर्याय स्वतंत्र एक समय का सत है बापू, तो उसको पलटाने का अभिप्राय छोड़ दे। वो नहीं पलटती तेरे अभिप्राय के मुताबिक, तू पलटना चाहे तो पलट जाए, ऐसी उसकी व्यवस्था नहीं। वो अपनी योग्यता से पलटती है, अपनी योग्यता से बदलती है, अपनी योग्यता से अशुद्रूप परिणमती है, अपनी योग्यता से शुद्रूप परिणमती है। उसको परिणमाने वाला इस विश्व में कोई है नहीं। और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जो है वो अपने में त्रिकाल ध्रुव है, उसमें आलंबन की व्यवस्था नहीं, उसमें परिणमन की व्यवस्था नहीं। वो ध्रुव सदा एक रूप, उसमें षटकारक शक्ति रूप है, वो पर्याय परिणमती है, अपने षटकारक से परिणमती है, पलटती है, बदलती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण पर्याय के षटकारक पर्याय में है, पर्याय अपने षटकारक से परिणमती है, अपनी योग्यता से परिणमती है। उनको परिणमाने वाला इस विश्व में कोई नहीं है, तो तू क्या उसको परिणमाएगा? एक उत्कृष्ट उदाहरण है,
पर्याय की स्वतंत्रता को सिद्ध करने के लिए कि आज महाविद्य में सिमंदर परमात्मा विराजमान है और अपन सबको पता है गुरुदेव श्री की वाणी के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, कि जब यहाँ भरत क्षेत्र में 13वें तीर्थंकर होंगे तब सिमंदर भगवान का मोक्ष होगा, बराबर। अब समझ लीजिए पंचम काल के बदले यहाँ चतुर्थ काल है भरत क्षेत्र का और 13वां तीर्थंकर मौजूद है, समझ लीजिए एक बार के लिए। और अभी आज शाम को 6 बजे सिमंदर परमात्मा का मोक्ष होने वाला है। अभी अपन सिमंदर परमात्मा को ये विनंती करें कि प्रभु आप तो अनंत चतुष्टय के धारी हो, अनंत सामर्थ्यवान हो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चरित्र, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सब कुछ आपको प्रकट हो चुका है। अभी हम आपको भगवान तब माने कि 6 बजने में एक समय बाकी हो, एक सेकंड नहीं, एक समय बाकी हो, तब आप अपना मोक्ष कर दो। क्या कहेंगे भगवान? मैं असमर्थ हूँ, एक समय आगे मोक्ष करने के लिए मैं असमर्थ हूँ, पर्याय में जिस वक्त जो परिणाम जिस तरह होना है वो परिणाम उसी वक्त उसी तरह ही होगा, मैं उसका करने वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो यदि तीर्थंकर परमात्मा एक समय आगे ना कर सके तो तू जगत का प्राणी, अनंत काल से संसार में रुलता हुआ, पर पदार्थ को अपना मानता हुआ, गुरुदेव मिल गया तो पर्याय को अपना मानता हुआ, पर पदार्थ को छोड़ा अपना मानना लेकिन पर्याय को अपना मानना, आज दिन भी गुरुदेव मिलने के पश्चात भी नहीं छोड़ा, तू छोड़ दे उस अभिप्राय को, तब सही माने में गुरुदेव मिले। पर्याय एक समय का स्वतंत्र सत है, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, उसमें कुछ भी करने का अभिप्राय को छोड़ते हुए मैं परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अभिप्राय जहाँ एक समय के लिए भी अंतरंग में जागा, द्रव्य के ऊपर दृष्टि गई, क्षण मात्र में सम्यक दर्शन का जन्म हो जाएगा। जिसके पीछे सादी अनंत काल से तू घूम रहा था वो एक क्षण मात्र में मिल जाए, ऐसी व्यवस्था पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है। क्यों नहीं मानता गुरुदेव की बात? ऐसे तो गुरुदेव के समय में तो ऐसा हम लोग कहते थे कि साहब अपना माटे तो मस्तक हथेड़ी में लेने फरिए, तो गुरुदेव माटे मस्तक हथेड़ी में लेने फरवानी जरूरत नहीं, तारा माटे तो लेने फर। सोचने का समय है, विचारने का समय है, कौन सी गलती हम कर रहे हैं कि जिसके वजह से आत्मा इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी, वस्तु की व्यवस्था इतनी सरल साहजिक स्वाभाविक होने के बावजूद भी, जिसमें गुरुदेव श्री सम्यक दर्शन होता है ऐसी गारंटी देने के बावजूद भी हम अपना जिद्दीलापना हठीलापना क्यों नहीं छोड़ते? कौन सी बात हमें रुकावट रूप में आ रही है? सोचे तो सही एक समय के लिए। आगे ये भावांतरों, भावांतर नाम परिणामिक स्वभाव भाव त्रिकाल, उससे भावांतर अनेरी पर्याय, अनेरा भाव, उदय, उपशम, स्वयंपशम, सायिक, आया ना चार भाव, ये शुद्ध सहज परम परिणामिक भाव जिसका स्वभाव ऐसा कारण परमात्मा वास्तव में आत्मा है, खरेखर वास्तव में वो आत्मा है। क्या किया? त्रिकाली आत्मा कारण परमात्मा है, कारण परमात्मा लियो, पण त्रिकाली जो परम स्वभाव भाव है वो ही खरेखर आत्मा है, खरेखर आत्मा, खरेखर आत्मा हमारी गुजराती में, हिंदी में वास्तव में आत्मा है, संस्कृत में समझे यहाँ, कारण परमात्मा ही आत्मा, कारण परमात्मा ही आत्मा है, संस्कृति आवयु ही आवयु ने ही नो अर्थ यहाँ वास्तव किया है, गुजराती में खरेखर किया है, भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्य भाग में परम पारिणामिक स्वभाव भाव, स्वभाव भाव जिसको कोई की अपेक्षा नहीं, ऐसा त्रिकाली भाव वही वास्तव में यथार्थ में खरेखर आत्मा है, उसकी दृष्टि उसका नाम सम्यक दर्शन है। बस ऐसे आत्मा की दृष्टि उसका नाम सम्यक दर्शन है। कारण परमात्मा कहो,
आत्मा कहो, खरेखर आत्मा कहो, ये कारण परमात्मा माने कार्य परमात्मा की अपेक्षा वाली बात नहीं है, यहाँ कारण परमात्मा माने परमात्मा की बात है, ध्रुव द्रव्य की बात है, आत्मद्रव्य की बात है। बस संस्कृत और हिंदी का जो फर्क है वो फर्क का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं परम पारिणामिक स्वभाव भाव, स्वभाव भाव जिसको कोई की अपेक्षा नहीं, ऐसा त्रिकाली भाव, स्वभाव भाव, स्वभाव भाव माने जिसको कोई की अपेक्षा नहीं, ऐसा त्रिकाली भाव, वही वास्तव में यथार्थ में खरेखर आत्मा है, उसकी दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। किसकी दृष्टि करना? ध्रुव परमात्मा की दृष्टि करना, स्वभाव भाव की दृष्टि करना, वो स्वभाव भाव जिसको कोई की अपेक्षा नहीं, जो त्रिकाली भाव है, परम पारिणामिक भाव है, स्वभाव भाव है, उस वास्तव में जो यथार्थ में खरेखर आत्मा जो है, उसकी दृष्टि करने से उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन माने कुछ करना नहीं है, जहाँ स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई, स्वभाव भाव के ऊपर में दृष्टि गई, तो जो परिणाम होता है उनका नाम सम्यक दर्शन है। अब जिस सम्यक दर्शन के लिए तू मेहनत कर, यहाँ कहते हैं कि तू द्रव्य पर दृष्टि दे, तो जो परिणाम हुआ उसका नाम सम्यक दर्शन है। जिस सम्यक दर्शन जो इतना कठिन लगता था, मेहनत वाला बोलता तू स्वभाव के ऊपर दृष्टि दे, जहाँ स्वभाव के ऊपर दृष्टि दी, स्वभाव भाव के ऊपर में, निरपेक्ष भाव के ऊपर में, ध्रुव भाव के ऊपर में, त्रिकाली भाव के ऊपर में जहाँ दृष्टि गई, तो जो परिणाम हुआ उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। और ऐसा दृष्टि न करे तो क्या होगा? विभाव उत्पन्न होगा, विभाव उत्पन्न होगा तो मिथ्या दृष्टि है, वो परिणाम का नाम मिथ्या दर्शन है। बात इतनी, स्वभाव का लक्ष्य करे तो सम्यक दर्शन, प्रभाव का लक्ष्य करे तो मिथ्या दर्शन। इसमें कुछ जायजेंटिक कुछ करने वाली बातें नहीं है, या तो स्वभाव का लक्ष्य या पर का लक्ष्य। स्वभाव का लक्ष्य तो सम्यक दर्शन, पर का लक्ष्य तो मिथ्या दर्शन। सिंपल माने न्याय, तर्क, लॉजिक सब गले उतर जाए ऐसी बातें हैं। एक बार भी अपने को जैसा है वैसा माना नहीं, बोलता है लेकिन मानता नहीं है, अभिप्राय के अंदर में ऐसा नहीं आता, और 3 मिनट है और हवे यहाँ कहाँ से आगे से सीखने को आया है, तो काई मूड यथार्थ सीखना पड़ेगा कि नहीं? अब लोग दूर दूर से गुरुदेव के पास में आते थे, आगे से मैंने दूर दूर से आते थे, तो अभी यथार्थ सीखना पड़ेगा कि नहीं? तो वास्तव में ये आत्मा है, अति आसन भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त कुछ उपादाय नहीं। जो आसन भव्य जीव है, जिनका पूज्य गुरुदेव श्री के साथ में 4 भव में भव समुद्र का किनारा आने वाला है, ऐसे आसन भव्य जीव को इसके अलावा और कुछ उपादेय नहीं है। पंडित जी, ध्रुव चिदानंद नित्यानंद प्रभु वही एक आदरणीय है, ध्रुव चिदानंद नित्यानंद प्रभु वही एक आदरणीय है, अने दृष्टि करने लायक है, लक्ष्य करने लायक है, बाकी कोई चीज दृष्टि करने लायक है नहीं। अब कितना स्पष्ट, देखिए गुरुदेव श्री की चरम सीमा पे स्पष्टता है। आ समझ में आया, तो खरेखर नु नियमसार छे ने, पछी अहीं वो 4 भाव है ने करके फिर उसका विस्तार करेंगे कि 4 भाव लक्ष्य करने लायक नहीं है, दृष्टि करने लायक नहीं है, 1 ध्रुव भाव जो है परम पारिणामिक भाव जो है वो आदरणीय है, दृष्टि करने लायक है, लक्ष्य करने लायक है, उसको छोड़कर जो भी चीज़ है वो दृष्टि करने लायक नहीं है। ऐसा लक्ष्य जिसे होता है उसको क्षण मात्र के अंदर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर गुरुदेव का सही माने में सच्चा संतान कहलाकर गुरुदेव श्री के पहले मोक्ष में जाकर गुरुदेव श्री का मोक्ष में सबको स्वागत करे, ऐसी मंगल भावना के साथ में।